विनाश काले विपरीत बुद्धि, सनातन विरोधियों जमकर मछली मटन खाओ और मुझसे मोदी की 100 तानाशाहियों का हिसाब ले जाओ, वंदे भारत, डिफेंस कॉरिडोर, 3 तलाक बिल, संसद में महिला आरक्षण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला कोष, मैटरनिटी लीव्स 12 से 26 हफ्ते की, एनडीए में महिलाओं को प्रवेश, सेना में वुमेन कमीशन, वन रैंक वन पेंशन, उरी बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, रफाल एयरक्राफ्ट, डिफेंस में मेक इन इंडिया, सीडीएस की नियुक्ति, भारत की आर्मी 4th नंबर पर, कोई बम धमाका नहीं, राम मंदिर, महाकाल लोक, काशी कॉरिडोर, सरदार पटेल का सम्मान, जनधन योजना, यूपीआई, जीएसटी, नोटबंदी, किसान सम्मान योजना, स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रैपिड रेल, ईस्टर्न पेरिफेरल, जहरीले धुएं से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति, गरीबों को घर, युवाओं को लोन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण, कौशल विकास, पीएम बीमा योजना, भारत को टूरिस्ट हब बनाया, योजनाओं से बिचौलिए खत्म किए, डिजिटल इकोनॉमी, मछुआरों के लिए मंत्रालय, विश्वकर्मा योजना, आत्मनिर्भर भारत, अटल टनल, करतारपुर कॉरिडोर, ब्रू रियान समझौता, बोडो समझौता, बीएसएनएल एमटीएनएल का विलय, अटल पेंशन योजना, आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, नल से जल, आयुष्मान भारत, न कोयला घोटाला, न 2G घोटाला, न कॉमनवेल्थ घोटाला, न चारा घोटाला, न लैपटॉप घोटाला, दलित और आदिवासी देश के राष्ट्रपति, केंद्र की नौकरी में ओबीसी आरक्षण, फ्री राशन, विदेशी एनजीओ पर कार्रवाई, एफसीआरए को मजबूत किया, नक्सलियों पर लगाम, मिशनरियों पर कार्रवाई, हज सब्सिडी खत्म, भारतीय कोविड वैक्सीन, मेड इन इंडिया मास्क, पीपीई किट, फ्री कोविड वैक्सीन, चंद्रयान, आईआईटी की भरमार, नए एम्स, भारत विश्व गुरु बनने की ओर, भारत में G20, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल की स्पीड बढ़ाई, अनमैन रेलवे गेट्स का खात्मा, दुनिया में 2nd नंबर पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर दिन, सभी धामों को हाईवे से जोड़ा, मेरठ एक्सप्रेसवे, जयपुर एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, आदर्श ग्राम मेट्रो रेल का विस्तार, सरकारी गौशालाएं, यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी, 1.25 लाख करोड़ का काला धन जब्त, डेटा डिजिटलाइजेशन, नई शिक्षा नीति, नए हवाई अड्डे, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, अरब देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला।